Good morning, students. Today we are going to do worksheets book. So you all have to bring out your worksheets book. First of all, we are going to do English worksheet. So you all have to open English part of this book and open worksheet 9 in this book. It is an English worksheet. So let's start to do it. See the picture and fill in the missing letters of their names or nouns. The first one has been done for you. तो आपने इन pictures को देखना है और देख कर ये जो इनमें missing letters हैं उनको complete करते हुए इनके names को आपने complete करना है. और आपको ये पता ही है कि जितने भी names होते हैं उनको हम nouns बोलते हैं. ठीक है, तो इन जो ये जो noun words हैं तो इनको हमने complete करना है, इनके हमने name को complete करना है. तो फर्स्ट पिक्चर इज अ स्कूल. ठीक है, एक तो उन्होंने एग्जाम्पल हमें करके ही दिया है, तो ये क्या है, स्कूल. व्हाट इज इट? इट इज अ पिक्चर ऑफ अ चेयर. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अ चेयर? CHAIR, चेयर. ये किस चीज की पिक्चर है? हॉस्पिटल. ठीक है, हॉस्पिटल के क्या स्पेलिंग है? HOSPITAL. ठीक है, हॉस्पिटल. नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? आइसक्रीम की. तो आइसक्रीम के क्या स्पेलिंग होते हैं? ICECREAM, आइसक्रीम. ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट. एलिफेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं? ELEPHANT, एलिफेंट. ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर क्या है? स्कूल बैग. SCHOOL, स्कूल, BAG, बैग, स्कूल बैग. तो हमने इन वर्ड्स में जो लेटर मिसिंग थे उनको कंप्लीट करके हमने इन पिक्चर्स के नेम्स को कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, अब आपने ये वर्कशीट को इसी तरह एज इट इज आपने अपनी बुक में करना है और फिर इनके आपने स्पेलिंग भी लर्न करने हैं. ठीक है, तो अब हम इसके बाद एक हिंदी की वर्कशीट भी करेंगे. सो अब आप सब हिंदी की वर्कशीट ओपन कर लीजिए. आप हिंदी में अभ्यास कार्य 31 निकाल लीजिए. तो आज हम करेंगे हिंदी का अभ्यास कार्य 31. लिंग. तो लिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉपी में भी करवा चुकी हूँ कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले, ये बराने लिखा है, ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा हमारा कराने, क आएगा यहाँ पर. ठीक है, कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं. ठीक है, कि जिन शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं. कि जो शब्द है वो पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, तो जिन शब्दों से हमें ये पता लगता है उसे हम लिंग बोलते हैं. लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है क, ये पुल्लिंग है, तो हमें इनसे स्त्रीलिंग बनाने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे पिता माता, चाचा चाची, भाई बहन, माली मालिन, बैल गाय, शेर शेरनी, बालक बालिका, सेठ सेठानी, दादा दादी, अध्यापक अध्यापिका, लड़का लड़की, धोबी धोबिन, चूहा चूहिया, लेखक लेखिका. ये जो मात्रा है ये ल के ऊपर है, लेखिका में ऐसे ल के ऊपर की मात्रा है ये लेखिका. नौकर नौकरानी. ठीक है, तो ये थे हमारे लिंग. लिंग बदलो. ठीक है, तो हमने इनसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लिया. ये हमारे लिंग शब्द थे.
तो पुलिंग हमें दिए हुए थे, हमने उनसे स्त्रीलिंग बना लिया। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द बोला जाता है। विपरीत मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले, जैसे आज, कल, अच्छा, बुरा, रात, दिन, दूर, पास, उल्टा, सीधा, नया, पुराना, सुबह, शाम, आगे, पीछे, सच, झूठ, सुखी, दुखी, सरल, कठिन, उजाला, अंधकार, सोना, जागना, जीवन, मृत्यु, उदय, अस्त, देर, जल्दी, स्वस्थ, अस्वस्थ, सुंदर, कुरूप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, काला, सफेद, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ऊपर, नीचे, छोटा, बड़ा, गरम, ठंडा, एक, अनेक, कड़वा, मीठा, कड़वा, मीठा, शत्रु, मित्र, सही, गलत, ईमानदार, बेईमान, आज, कल, अपना, पराया, आलसी, मेहनती, साफ, गंदा, साहसी, डरपोक, अमीर, गरीब, आना, जाना। ठीक है बच्चों, तो इस अभ्यास कार्य में हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारा लिंग बदलो और दूसरा था विलोम शब्द। ठीक है, तो आपने आज मैंने आपको दो काम करवाए हैं, इंग्लिश में वर्कशीट, एक इंग्लिश में वर्कशीट करवाई है, वर्कशीट नंबर 9, और एक मैंने आपको अभ्यास कार्य हिंदी में करवाया है 31। तो आपने ये दोनों काम पूरे कर लेने हैं वर्कशीट बुक में ही, और उसके बाद इन दोनों को आपने अच्छी तरह से याद करना है और इनको लिख कर भी देखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय हिंद।